हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, 115 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर हम बात करें तो भैया, बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर, दोनों ही सेक्टर के जो शेयर है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं और इंडिया बुल्स में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और उसको लेकर दो तीन बड़ी खबरें भी निकल कर सामने आई पिछले 2 दिन से। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है, तो वो चर्चा कौन सी है और अभी क्या चल रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 115 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर जहां था वहीं पर है। 113 रुपए तक का लो है, बड़ी रैली है, 132 पर गया, फिर गिरावट 118 पर पहुंचा, फिर तेजी 136 पर गया, फिर गिरावट 118 पर आया, फिर तेजी 124 पर गया, फिर गिरावट अभी आई है, वापस 115 रुपए पर पहुंच गया है शेयर। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में इंडिया बुल्स में 85% की गिरावट देखने को मिली है। 810 रुपए के लेवल से शेयर टूटा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, रैली आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, 90 रुपए तक शेयर चला गया कोविड-19 की वजह से। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 89% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 1420 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। देखिए, बहुत ही बढ़िया और दिग्गज ये कंपनी मानी जाती थी एनबीएफसी सेक्टर की अगर हम बात करें तो। और डिविडेंड भी भैया साल का 40 से 45 रुपए तक का ये डिविडेंड पे करता था ये शेयर। लेकिन आज इतनी बुरी हालत है के शेयर आप देख सकते हैं कि 115 रुपए तक आ चुका है, 90 रुपए तक भी ये टूट गया था। इससे पहले क्या होता था कि भैया गिरावट अगर आती भी थी तो बाउंस बैक कर लेता था, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अलग है। अभी यह है कि कोविड-19 के चलते हुए जो एनबीएफसी कंपनियां है और बैंकिंग सेक्टर है उनकी कमर टूट गई है। और तो और जो लोन्स इन्होंने बांटे हैं वो लोन्स वापस आ भी नहीं रहे हैं, तो एक वो भी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ इनके सामने देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखे तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है एनबीएफसी के लिए। अभी आप देखिए 5245 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है। एनएसई में देखिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रमोटर बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी गिराई है। प्रमोटर के पास जो पहले 21.72% की होल्डिंग थी, अब वो 23.09% की होल्डिंग है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, लेकिन एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग डिक्रीज की है, जो पहले 47.16% थी अब वो 37.77% है। म्यूचुअल फंड जो पहले 0.35% की होल्डिंग थे अब वो 0.62% है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज जरूर हुई है, लेकिन एफआईएस ने वाकई में बहुत बड़ी होल्डिंग लूज की है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 27.43% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर देखिए कौन है, प्रमोटर भी थाईएस होल्डिंग के बाद चले तो इंडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है और उनके पास 19.40% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 15 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 275 एफआईएस ने पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.03% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड 300% का डिविडेंड जरूर पे किया है इन लोगों ने इस बार भी, मतलब इसी साल फरवरी महीने में डिविडेंड पे किया है। हाल फिलहाल में एक खबर आई कि भैया इन्होंने 1030 करोड़ रुपए रेज किए हैं और काफी बड़ी और अच्छी पॉजिटिव खबर है ये जरूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द कूपन रेट ऑन द बॉन्ड विथ 3 ईयर टेन्योर इज 9.10% पर एनम पेएबल एन्युअली। तो देखिए इतना तकरीबन 9% से भी ज्यादा का आसपास का के ब्याज पर इन्होंने ये पैसा देने के लिए फंड रेज जरूर किया है। लेकिन दूसरी एक खबर आई है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। तो वो न्यूज कुछ इस तरीके से है कि आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड की एक आर्टिकल्स है, जिसमें आप बहुत पहले खबर आई थी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने, इंडिया बुल्स ने 21 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं पीएम केयर में। ठीक है, इंडिया बुल्स ने 21 करोड़ रुपए डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि भैया कंपनी ने 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है
उसको लेकर काफी लोगों में गुस्सा भी है, इवन एम्प्लॉयज में भी गुस्सा है। यहाँ पर देखिए न्यूज कुछ इस तरीके से है कि द सोशल मीडिया आउट द बाय द एम्प्लॉयज। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई और बोल रहा है, खुद कंपनी के एम्प्लॉयज यहाँ पर इस बात बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके का जो बर्ताव है उनके साथ किया जा रहा है इंडिया बुल्स में। और अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि इवन आफ्टर नोइंग करंट पेंडेमिक सिचुएशन इंडिया बुल्स इज फायरिंग अराउंड 2,000+ स्टाफ विदाउट एनी नोटिस। तो फर्स्टली दे डिडक्टेड अवर सैलरी। तो देखिए पहले क्या किया इंडिया बुल्स ने कि एम्प्लॉयज की सैलरी को कट किया, उसके बाद 2,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया। जनरली अगर आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी जब भी आपको निकालती है तो कंपनी आपको 2 महीने का नोटिस देती है, 1 महीने का नोटिस देती है कि भैया आपके पास आखिरी 1 महीना है, आपको 1 महीने का जो सैलरी है वो मिलेगा या फिर 2 महीने का सैलरी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि विदाउट एनी नोटिस कंपनी ने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। दैट दे आर प्रेशराइज्ड टू सेल्फ रजिस्ट अ रेजिग्नेशन, हाउ विल द पीपल विल गेट अ न्यू जॉब। तो देखिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है जॉब छोड़ने के लिए, और जैसे कि अभी की हालत में भैया जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज सेड दैट दीज एम्प्लॉयज वर बीइंग सैक्ड ओवर व्हाट्सएप कॉल व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज ने ये भी बताया है कि एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है व्हाट्सएप कॉल के द्वारा के जरिए यहाँ पर निकाला जा रहा है। और व्हाट्सएप कॉल के जरिए अगर आप किसी को भी निकालते हो तो वो जो ऐसा कॉल है जो कभी रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, जबकि अगर आपको नॉर्मल कॉल करेंगे तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप कॉल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये, बिफोर वायरस टेंशन एंड डिप्रेशन विल किल एम्प्लॉयज हुज गेटिंग फायर्ड बाय देयर कंपनीज थ्रू व्हाट्सएप कॉल विदाउट एनी क्लेरिफिकेशन और एनी नोटिस पीरियड इन दिस कोरोना क्राइसिस क्रिएट इन पैनिक सो दैट दे विल रिटर्न टू होम टाउन। तो देखिए ये कहना है कि भैया अगर आपको सोचिए कि कोई बंदा कहीं पर नौकरी कर रहा है, मतलब इंडिया पोस्ट में अगर नौकरी कर रहा है और अगर उसको एक ही दिन में निकाल दिया जाता है विदाउट एनी नोटिस, तो दूसरी जॉब तो उसको मिलने से रही ऐसे सिचुएशन में। और तो और भैया उनके बिल्स भी पे करने होते हैं, इवन रेंट पे करना रहता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर वो नहीं पे करते तो वो उनके पास अपने घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। ये भी कहना है कि इंडिया बुल्स हैरेसिंग इज टू मच मेंटली हैरेसमेंट टुडे द इंडिया बुल्स डूइंग विद अस विदाउट एनी प्रॉपर इंटीमेशन कंपनी सेइंग दैट माय इकोनॉमिक कंडीशन इज टू बैड आई एम अनेबल टू गिव यू सैलरी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। कंपनी के एम्प्लॉयज का ये भी कहना है कि भैया ये लोग हमें मेंटली हैरेस कर रहे हैं और हमको अपना जो सैलरी है वो भी नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पर है कि हैरेसिंग इट्स टू मच मेंटली टुडे इंडिया बुल्स डूइंग विथ अस विदाउट एनी प्रॉपर इंटीमेशन कंपनी सेइंग दैट द इकोनॉमिक कंडीशन इज टू वीक। तो देखिए यहाँ पर है कि भैया हमको सैलरी नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इंडिया बुल्स विच डोनेट 21 करोड़ टू पीएम केयर फंड हैज लेड ऑफ 2,000+ एम्प्लॉयड विद नो सेवरेंस पैकेज। तो काफी लोगों ने इस बारे में बात की है कि भैया जब पीएम केयर फंड में आपने 21 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, ठीक है, तो दूसरी तरफ आप 21 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रहे हो, दान दे रहे हो, और दूसरी तरफ आप अपने ही कंपनी के 2,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो विदाउट एनी नोटिस और भी कोई सेवरेंस पैकेज के बिना। तो काफी ज्यादा सवाल उठना लाजमी है, दिस गाइस हैड द मनी टू डोनेट टू पीएम केयर फंड बट डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज, वाई वुड अ कंपनी डू दिस। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने सीधा कहा है लोगों ने कि अगर इनके पास पैसा है डोनेशन देने के लिए लेकिन अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को नौकरी पर रखने के लिए या फिर उनकी मदद करने के लिए पैसा नहीं है इंडिया बुल्स। और दूसरी ट्वीट भी है कि देखिए इंडिया बुल्स कंट्रीब्यूट 21 करोड़ इन पीएम फंड कोविड फंड एंड देन टेक वन डे सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज एज कोविड फंड कट ओवर सैलरीज 20-40% फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड देन फाइनली आस्क टू लीव द कंपनी बट इन सिस्टम ऑल विद अ फाउंड एज वायलेंटली। तो देखिए यहाँ पर यही है, 21 करोड़ का पहले इंडिया बुल्स ने पीएम के में फंड दिया, बाद में सारे एम्प्लॉयज की एक दिन की सैलरी भी उन्होंने कोविड-19 फंड में दान में दे दी, बाद में कंपनी के एम्प्लॉयज के 20-40% की सैलरी कट करी, बाद में अब इनको निकाल रहे हैं। तो ये किसी ना किसी तरीके से एकदम सही बात तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो मुद्दा है ना भैया ये अभी सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, अगर मैं बात करूँ टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, पी बहुत कम है, बहुत कम 2.11 है, काफी ललचाने वाला पी है, लेकिन मैं कहूंगा भैया लालच में अभी मत आइएगा।
इंडेक्स रुपीज 16 के आसपास है, बुक वैल्यू 403 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.29 है, ईपीएस 54 के आसपास है, डिलीवरीज 11 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 39% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 0% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर हमें दे रहे हैं। इंडिया बुल्स की अगर हम देखें तो भैया कंपनी ने हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कमाया है, लेकिन अभी से पिछ अगर हम बात करें जब से कोविड आया है इनकी हालत खराब हो सकती है। दिसंबर में देखिए 550 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 700 करोड़, जून में 790 करोड़, मार्च में 1000 करोड़ और दिसंबर में पिछले दिसंबर 2018 में 975 करोड़ के आसपास। तो बढ़िया इन्होंने मुनाफा कमाया है, लेकिन अभी की हालत कुछ और है। अभी यह है कि भैया इनका जो पैसा है ना वो फंस सकता है, काफी लंबे अरसे तक फंस सकता है, और कोविड-19 की वजह से इनका जो बिजनेस है वो काफी हद तक अफेक्ट भी हुआ है। और मैं यही कहूंगा कि अभी तो अवॉइड करना ही सही है, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। आप खुद सोचिए कि कंपनी कब अपने इतने ज्यादा एम्प्लॉयज को कब निकालती है, जब कंपनी काफी हाई प्रेशर झेल रही होती है, खास करके पैसे की लिक्विडिटी को लेकर। कंपनी के पास उतना पैसा नहीं बचा है, अगर यही चीज चलती रही तो शेयर में और गिरावट की भी हमें उम्मीद हो सकती है आने वाले दिनों में। तो मैं यही कहूंगा कि भैया फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है ये, अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात अगर करें तो भैया बढ़िया कंपनी है ये, लेकिन कोविड ने अभी इनकी हालत खराब करके रखी हुई है, और जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से अवॉइड करने की सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।